यदि संयोगात् इत्यत्र व्याप्तिः चालनी न्यायेन दण्डमात्रस्यैव हेतुसमानादिकणा भावप्रतियुता वच्छेदकत्वात्। ठीक है, धन्यवाद। दंड संयोगात् मठः धन्यवाद। दंड संयोगात् तो दंड संयोग हेतु है, उसका अधिकरण कौन होगा? मठ होगा। किस संबंध से? समवाय संबंध से। संयोग किस समय से रहता है? समवाय समय से रहेगा। दंडित संयोग समय से रहेगा, दंड संयोग समवाय समय से रहेगा। और साध्य हो गया दंडी, और किस समय साध्य है? संयोग समय साध्य है। ठीक है ना महाराज जी, दंड संयोग का जो अधिकरण है मठ, उसमें दंडी संयोग संबंध से रहता है। तो साध्य तो हो गया, तो लक्षण घटाते हैं, तो ये तो हो गया दंड संयोग, ये तो अधिकरण हो गया मठ। अब हमको क्योंकि दोष देना है, इसलिए चालनीय न्याय से बिंदु बिंदु मठ ले लेंगे, तो तत्त मठ में बिंदु बिंदु मठ में तत्त दंडी नाश्य अभाव मिल जाएगा। तत्त दंडवा नाश्य अभाव लेना है। क्या अभाव लेना है? तत्त दंडवा नास्ति, मिल गया। अभाव का प्रतियोगी हो गया तत्त दंडवान, प्रतियोगिता अवच्छेद हो गया तत्त दंड। तो तत्त दंड मतलब सारे दंड, याव दंड। और साध्यता अवच्छेद क्या है? दंड है। साध्यता अवच्छेद क्या है? दंड। दंडी साध्य है और साध्यता अवच्छेद के दंड। तो दंड दंडत्वेन रूपेण दंड सामान्य रूपेण साध्यता अवच्छेद है, और तत्त दंड प्रतियोगिता अवच्छेद हो गए। तो सारे दंड प्रतियोगिता अवच्छेद हो गए, उससे भिन्न साध्यता अवच्छेद नहीं होगा। तो प्रतियोगिता का अवच्छेद ही साध्यता अवच्छेद हुआ, अनवच्छेद साध्यता अवच्छेद नहीं हुआ, तो अव्याप्ति हो गई। ठीक, तो ये हो गई दंडिमान दंड संयोगाद यहाँ पर अव्याप्ति। ननु दंडिमान दंड संयोगाद इत्यतः अव्याप्ति चालनी न्यायेन दंडमात्रस्यैव हेतु समानादिगणा भाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वात्। ठीक, न च प्रतियोगिता नवच्छेदकम् इत्यत्र अवच्छेदकत्वं शुद्ध साध्यतावच्छेदकस्थले यदवच्छिन्नम् इव विशिष्ट साध्यतावच्छेदकस्थले साध्यतावच्छेदकतावच्छेदक एतदभयानवच्छिन्नं ग्राह्यम्। अब ये क्या कहते हैं कि एक समाधान है ना, एक अवान्तर समाधान है, न च करके लिखा है ना। ठीक, तो अब क्या करना है कि पूर्व पक्षी ने दोष दिया दंडिमान दंड संयोगाद यहाँ पर। यदि हम सीधा द्विदिति ग्रंथ पढ़ेंगे तो द्विदिति कार ने समाधान दे दिया कि दंड आदो साध्य परंपरा संबद्धम दंडत्वादिकम एवं साध्यतावच्छेदकम। ठीक, तो मूल ग्रंथों को समन्वय करने के लिए इतना ही अवतरण पर्याप्त होता है, लेकिन जगदीश ने अपने हिसाब से थोड़ी यहाँ पर व्याख्या की है। तो क्या करते हैं, अब पूर्व पक्ष को यहाँ पर सामने लाते हैं। तो पूर्व पक्ष कहता है कि दंडिमान दंड संयोगाद यहाँ पर अव्याप्ति है ही नहीं, क्योंकि तत्त दंड नास्ति एव लक्षण घटक होगा ही नहीं। ठीक, प्रश्न आया कैसे नहीं होगा, इसलिए वो पहले भूमिका बनाता है कि पर्वतों वन्यमान धूमात यहाँ पर अव्याप्ति होगी। कैसी अव्याप्ति होगी? तो हम ये तो हो गया धूम, ये तो अधिकरण हुआ पर्वत, उसमें हम अभाव लेंगे मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति, ऐसा अभाव लेंगे मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति। ठीक, अब देखिए मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जो जाति, वो जाति वन्य तो जाति विवक्षित है, तो मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जो वन्यत्ववान नास्ति ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जो वन्यत्व है, जो जाति है, तद्वान कौन है? मानसीय वन्य है, मानसीय वन्य होगा। मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जो वन्यत्व है, जो जाति है, वो मानसीय वन्य में ही है। इसलिए मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान मानसीय वन्य हुआ, अर्थतः शब्दतः हम वो नहीं बोल रहे हैं, शब्द हमारा है मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान। वो कहाँ रहेगा? महानस में रहेगा, पर्वत में। तो एत्वाधिकरण जो पर्वत हुआ उसमें हमने अभाव लिया मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। ठीक, अभाव मिल गया, अभाव ये प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन हुआ? मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जो जाति वन्य तो जाति है। ठीक, और उससे भिन्न साध्यता अवच्छेदक नहीं, विशिष्टम शुद्धात् नात्रिजते, विशिष्ट वन्यत्व प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया, और शुद्ध वन्यत्व साध्यता अवच्छेदक है। तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक ही साध्यता अवच्छेदक हुआ, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक नहीं हुआ, तो हो गई अव्याप्ति। समझ में आया? इस अव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या करेंगे
कहते हैं कि अत्यधिकरण वृत्तिभावी जो प्रतियोगिता अवच्छेद दखता है उसमें निर्वच्छिन्नता का निवेश करेंगे, क्या करेंगे, निर्वच्छिन्नता का निवेश करेंगे। तो लक्षण बनेगा यत्वाधिकरण वृत्तिभावीय प्रतियोगिता निरूपिता या निर्वच्छिन्ना अवच्छेदकता तदवद भिन्नम अथवा तदभाववत, दोनों का एक ही अर्थ है। प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वा भाववत कहें, प्रतियोगिता अवच्छेदकतावत भिन्न कहें, एक ही बात है ना। घटत्वा भाववत कहो, घटत्ववत भिन्न कहो, एक ही बात है। तो साध्यता अवच्छेदक को प्रतियोगिता का अनवच्छेदक होना चाहिए, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक होना चाहिए, मतलब प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वा भाववत होना चाहिए अथवा प्रतियोगिता अवच्छेदकतावत भिन्न होना चाहिए, सभी एक ही अर्थ है। तो प्रतियोगिता अवच्छेदकता में हमने क्या विशेषण दिया, निर्वच्छिन्नत्व विशेषण दिया। तो यत्व अधिकरण वृत्तिभावीय प्रतियोगिता निरूपिताया निर्वच्छिन्ना अवच्छेदकता तदभाववत यत् साध्यता अवच्छेदकम्, ऐसा हमको लक्षण बनाना है। ठीक, तो ऐसा लक्षण जब बनाएंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अभावीय जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता है, यत्व अधिकरण वृत्तिभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदकता, उसको निर्वच्छिन्ना होनी चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए हम घटो नास्ति अभाव लेते हैं, घटाभाव कहीं लेते हैं, तो घटाभाव या प्रतियोगिता घटनिष्ठा, प्रतियोगिता अवच्छेदकता घटतनिष्ठा, घटतनिष्ठा जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता है वो निर्वच्छिन्न है, वो किंचित धर्म अवच्छिन्न, क्योंकि वहाँ प्रतियोगिता अवच्छेदकता का कोई अवच्छेदक नहीं, क्योंकि जाति और अखंड उपाधि से अतिरिक्त जो पदार्थ होते हैं वह किंचित धर्म पुरुष कारण भाषित होते हैं, किंतु जो जाति है वो स्वरूपतः भाषित होता है, उसमें विशेषतः अनुलिख्यमाना जाति स्वरूपतः भाषित है। जाति का उल्लेख करेंगे तो वो भी किंचित धर्म पुरुष कारण भाषित होगा, किंतु अनुलिख्यमाना जाति ही स्वरूपतो भाषते। तो घटोनाशी जब कहेंगे तो वहाँ तो हमने घटत्व का उल्लेख नहीं किया है, तो घटत्व निष्ठा जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता होगी वो निर्वच्छिन्ना होगी, वो किंचित धर्म अवच्छिन्ना नहीं होती। किंतु हमने जो अभाव लिया है, महानशीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ती अभाव लिया है, तार से अभाव लिया जो प्रतियोगिता है कहाँ है, जाति मत में जातिमत निष्ठा, जातिमान में प्रतियोगिता है, जातिमत निष्ठा प्रतियोगिता अवच्छेदकता कहाँ है, जाति महानशीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जाति निष्ठा प्रतियोगिता अवच्छेदकता। अब प्रतियोगिता अवच्छेदकता का अवच्छेदक कौन हुआ, महानशीय वन्य वृत्तित्व वैशिष्ट्य और जातित्व। ठीक है, विशिष्टा जाति है तो जाति में विशिष्टत्व विशेषण है और जातित्व विशेषण है। तो मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्टत्व अथवा वैशिष्ट्य और जातित्व, ये तो उभय धर्म अवच्छिन्ना कौन हुई, प्रतियोगिता अवच्छेदकता हुई, अवच्छेदकता हुई, जाति निष्ठा अवच्छेदकता अर्थात निर्वच्छिन्ना। हमको तो निर्वच्छिन्न अवच्छेदकता का प्रतियोगिता का अभाव चाहिए, कैसे अभाव चाहिए, निर्वच्छिन्न अवच्छेदकता का प्रतियोगिता का अभाव, मतलब ऐसा अभाव यादि से अभाव या प्रतियोगिता अवच्छेदकता निर्वच्छिन्न हो। आपने तो जातित्व अवच्छिन्न है ना, वैशिष्ट्य अवच्छिन्न अवच्छेदकता को प्रतियोगिता का अभाव लिया है, एतादृश अभाव लक्षण घटक होगा ही नहीं। ठीक, अतः आपको अन्य कोई अभाव लेना पड़ेगा, घटाभाव पटाभाव आदि लेंगे तो अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेद घटत पटत्व आदि होंगे, तद भिन्न साध्यता अवच्छेद बन्य तो हो जाएगा, तदवच्छिन्न साध्य सामान अधिकरण दो में चला जाएगा, तो अव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, ये सब भूमिका बनाया जा रहा है। तो इसको बनाने वाले दृष्टांत, तो ये हो गया दो प्रकार के स्थल हमको विचार करने हैं, एक हो गया शुद्ध साध्यता अवच्छेदक स्थल, एक विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थल। ठीक, शुद्ध साध्यता अवच्छेदक स्थल किसको कहेंगे, यत्र साध्यता अवच्छेदकता निर्वच्छिन्ना तत् शुद्ध साध्यता अवच्छेदक स्थलम। ठीक है, शुद्ध है साध्यता अवच्छेदक जिसमें, शुद्ध साध्यता अवच्छेदकम स्थलम, और यत्र साध्यता अवच्छेदकता किंचित धर्मावच्छिन्ना अथवा सावच्छिन्ना। ठीक, तत्स्थलम विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थलम, समझ आया। तो बन्यवान धुमात जो स्थल है हमारा पर्वत बन्यवान धुमात स्थल है, यहाँ पर बन्य तो निष्ठा जो साध्यता अवच्छेदकता है वो निर्वच्छिन्न है, अतः यह शुद्ध साध्यता अवच्छेदक स्थल है। तो शुद्ध साध्यता अवच्छेदक स्थल में जिस प्रकार का दोष हमने दिया, मानसीय बंधु वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति अभाव को लेकर जो अव्याप्ति हुई, तारी से अव्याप्ति को वारण करने के लिए प्रतियोगिता अवच्छेदकता में निर्वच्छिन्नत्व का निवेश करना चाहिए यथा, इसको दृष्टांत बनाएंगे। उसी प्रकार से जो विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थल होगा तो वहाँ पर और कुछ विशेषण देना चाहिए। तो पहले विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थल में दोष देते हैं, तो इन्होंने एक स्थल बनाया है जाति मतवान घटत्वात। ठीक, जाति मतवान जात्याश्रयवान घटत्वात, तो साध्य हो गया जाति मत, जाति मत को साध्य बनाना है। साध्यता अवच्छेदक कौन है,
जाति साध्यता अवच्छेदकता का अवच्छेदक कौन है? तो साध्यता अवच्छेदकता जातित्व अवच्छेद न हुई, साध्यता अवच्छेदकता जाति निष्ठा जो साध्यता अवच्छेदकता है वो जातित्व अवच्छेद है, अर्थात किंचित धर्म अवच्छेद न हुए, इसलिए ये स्थल हो गया विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थल हुआ। ठीक, तो यहाँ पर भी हमको पहले दोष देना है, तो यहाँ पर दोष क्या देना है कि स्थल हो गया जाति मतवान घटत्वाद, ये तो हो गया घटत्व, ये तो हुआ घट, उसमें हमने अभाव लिया पट समवे तत्व विशिष्ट जातिमा नास्ति। ठीक, इसको और सरल करने के लिए हम कहेंगे पट समवेत वृत्तित्व विशिष्ट जातिमा नास्ति, समवे तत्व को थोड़ा स्पष्ट अर्थ हो ये समवेत वृत्तित्व विशिष्ट, तो पट समवेत वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति। ठीक, इसको समझ लो, पट समवेतत्व पट समवेतत्व विशिष्ट अथवा पट समवेत वृत्तित्व विशिष्ट जो जाति, पट समवेत कौन है? रूपादि, पट में रहने वाले जो रूप होंगे। ठीक, तो पट समवेत पट पट रूपादि होंगे, पट में रहने वाले रूपादि, तद वृत्तित्व विशिष्ट जो जाति होगी, जो रूपत्व जाति, रूपत्व रसत्व जाति, तारे जातिमान कौन होगा? रूप होगा, कौन सा रूप? सारे रूप होंगे, पट रूप ही होंगे, पट में रहने वाला जो रूप होगा है ना, तो पट समवेत जो रूप होगा उस तद वृत्तित्व विशिष्ट जाति है, जाति तो रूपत्व जाति है, किंतु तारे जातिमान कौन होगा? पट रूपी होगा, अर्थात पट समवेत होगा, पट समवेत रूप होगा, रस होगा, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो पट समवेत तत्व विशिष्ट जो जाति है, पट समवेत तत्व विशिष्ट जो जाति है, वो तारे जातिमान कौन होगा? पट समवेत होगा, वो रूप रस गंध स्पर्श जो भी पट में रहे, तो पट समवेत तत्व विशिष्ट जो जाति तारे जातिमान कौन हुआ? रूपा, पट समवेत रूपादि हुआ, वो घट में रहेगा? नहीं रहेगा, घट में जातिमान नास्ति ऐसा अभाव तो मिलेगा नहीं, साध्य तो हमारा क्या है? जातिमत साध्य, तो घटत्व का अधिकरण जो घट है, तो अधिकरण जो घट है उसमें जातिमान नास्ति अभाव मिलेगा? क्योंकि घट में जातिमान रहता है ना, कौन जातिमान रहता है? घटत्व तो खुद जाति है ना महाराज जी, जातिमान रूप है ना, घट रूपत्व जातिमान जो रूप है वो घट में रहता है, तो जातिमान घट में रहेगा, तो जातिमान नास्ति अभाव तो घट में मिलने वाला नहीं है, किंतु पट समवे तत्व विशिष्ट जातिमान नास्ति अभाव मिल जाएगा, क्योंकि पट समवे तत्व विशिष्ट जातिमान पट समवेत होगा, पट समवेत रूपादि होंगे जो पट में रहेंगे। ठीक, तो उसका अभाव समझ में आ रहा है तुमको? नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझे? पट में रहने वाला जातिमान कौन है? ठीक है, हो गया, समझ में आया, तो पट समवेत वृत्तित्व विशिष्ट जो जाति, पट समवेत पट में रहने वाला रूप, तद वृत्तित्व विशिष्ट जो जाति, रूपत्व रसत्व जाति, तार जातिमान वही पट समवेत रूप रस आदि होंगे, उसका अभाव हमको सुतराम घाट में मिल जाएगा, तो हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव हुआ, पट समवेत वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति, अथवा पट समवेत तत्व विशिष्ट जातिमान नास्ति, पट समवेत तत्व विशिष्ट जाति, वो पट समवेत तत्व वैशिष्ट जो है वो सामान्य अधिकरण संबंध से ले जाना है, पट समवेत तत्व भी रूप में है उसमें रहने वाली जाति, तो पट समवेत तत्व विशिष्ट सामान्य अधिकरण संबंध है ना, पट समवेत तत्व विशिष्टा जाति। ठीक, तो उसको तोड़ने में दिक्कत हो तो पट समवेत वृत्तित्व विशिष्ट जाति, इसे जल्दी दिमाग में पकड़ में आता है, समझ में आया, तो अभाव मिल गया, अभाव ये प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन हुआ? पट समवे तत्व विशिष्ट जाति, क्योंकि जातिमान नास्ति अभाव लिया है, तो पट समवे तत्व विशिष्ट जाति, विशिष्ट जाति प्रतियोगिता अवच्छेद के, और साध्यता अवच्छेद क्या है? शुद्ध जाति है, अभिशिष्टम शुद्धात, तो प्रतियोगिता अवच्छेद की साध्यता अवच्छेद हुआ, तद भिन्न साध्यता अवच्छेद नहीं हुआ, तो अव्याप्ति हो गई। ठीक, एतारिस अव्याप्ति को वारण करने के लिए, ये विशिष्ट साध्यता अवच्छेद के स्थल में अव्याप्ति हो रही है, एतारिस अव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रतियोगिता अवच्छेदकता में साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक तैतरो भयान अवच्छिन्नत्व का निवेश करना चाहिए, क्या निवेश करना चाहिए? साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक तदितरो भयान अवच्छिन्नत्व का निवेश करना चाहिए। ठीक, समझ में आया, क्या करना चाहिए? साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक तदितरो भयान अवच्छिन्नत्व का निवेश करना चाहिए।
तो साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक एक धर्म पकड़ना है, फिर तदितर को दूसरा धर्म पकड़ना है, तो उभय धर्म से अनवच्छिन्ना कौन प्रतियोगिता अवच्छेदकता, हाँ प्रतियोगिता अवच्छेदकता ठीक। तो लक्षण बनेगा यत्व अधिकरमृत्य भावी या प्रतियोगिता निरूपिता या प्रतियोगिता अवच्छेदकता है ना, प्रतियोगिता अवच्छेदकता तोड़ेंगे तो प्रतियोगिता निरूपिता अवच्छेदकता हो जाएगी। तो पहले प्रतियोगिता निरूपिता या निर्वच्छिन्ना अवच्छेदकता कहा था, अभी निर्वचन की जगह ये वाला विशेषण देना है। तो यत्व अधिकरमृत्य भावी या प्रतियोगिता निरूपिता या साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक तदितरो भया नवच्छिन्ना अवच्छेदकता तदभाववत अथवा तद्वद भिन्नम यथाधिता अवच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ठीक। लक्षण बन गया, अभिषेक का समझ आ रहा है। हाँ ये पढ़ा भी था ना पहले भी, तो लक्षण बोलने में नहीं आ रहा है। हाँ हो जाएगा ठीक, कल तक हो जाएगा, होली के बाद तक हो जाएगा ठीक। क्या लक्षण हो गया? ठीक है, लक्षण बन गया। तो अब हमको देखना कहाँ है कि हमारी जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता है वो साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक तदितर उभय धर्म से अनवच्छेदना होनी चाहिए, इतने हमको देखना है। बाकी तो हमको पता ही है, एक मृत्यु अभाव हमने लिया है। क्या अभाव लिया है ना, पट समवय तत्व विशिष्ट जातिमान नास्ति अभाव लिया है। तारस अभाव यह जो प्रतियोगिता है वो पट समवय तत्व विशिष्ट जातिमत निष्ठा प्रतियोगिता ठीक। जातिमत एक एक श्रेणी करके आगे बढ़ेंगे, जातिमत निष्ठा प्रतियोगिता। प्रतियोगिता अवच्छेदकता कहाँ है? पट समवय तत्व विशिष्ट जाति निष्ठा अवच्छेदकता। और तारस अवच्छेदकता का अवच्छेदक कौन है? पट समवय तत्व वैशिष्ट और जातित्व। प्रतियोगिता अवच्छेदकता और अवच्छेदकता, प्रतियोगिता अवच्छेदकता, प्रतियोगिता अवच्छेदकता, अवच्छेदकता ठीक है। और वहाँ पर हम अवच्छेदकता तक नहीं जाते क्योंकि आगे बढ़ना नहीं है, तो इसलिए अवच्छेदक प्रतियोगिता अवच्छेदकता का अवच्छेदक कौन है प्रश्न है ठीक। तो प्रतियोगिता अवच्छेदकता जातिनिष्ठा, पट समवय तत्व विशिष्टा जातिनिष्ठा अवच्छेदकता। तारस अवच्छेदकता का जो अवच्छेदक है वो पट समवय तत्व वैशिष्ट्य और जातित्व, अर्थात वो जो हमारी अवच्छेदकता है ये तो मृत्यु अभावी है प्रतियोगिता अवच्छेदकता, वो जातित्व अवच्छिन्न है और पट समवय तत्व वैशिष्ट्य अवच्छिन्न है। तो वैशिष्ट्य अवच्छिन्न है और जातित्व अवच्छिन्न है अवच्छेदकता, ऐसे है। हमको चाहिए कैसी ठीक है, साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक कौन है? जातित्व, साध्य हमारा जातिमान, साध्यता अवच्छेदक जाति, साध्यता अवच्छेदकता का अवच्छेदक जातित्व। तो साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक जातित्व, तदितर वैशिष्ट्य पट समवय तत्व वैशिष्ट्य एतद उभय धर्म से अनवच्छिन्न होनी चाहिए अवच्छेदकता को। किंतु यह जो अवच्छेदकता है हमारे समक्ष वह जातित्व और वैशिष्ट्य उभय धर्म से अवच्छिन्न है। साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक तदितर उभय धर्म से अवच्छिन्न ही अवच्छेदकता है। तारिस अवच्छेदकता का प्रतियोगिता के अभाव हो गया हमको, तो तद उभय धर्म नवच्छिन्न अवच्छेदकता का प्रतियोगिता का अभाव चाहिए। समझ में आया? तो क्या अभाव लेंगे? कटो नास्ते अभाव लेंगे, कटत्वान नास्ते अभाव लेंगे, उल्लेख करना है तो, नहीं तो नहीं भी उल्लेख करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। कटो ना जा ये तो अधिकरण जो ये तो हो गया घटत्व, ये तो हो गया घटत्व, ये तो अधिकरण हुआ घट, उसमें हम अभाव ले लेंगे। घटो नास्ते अभाव ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? पटो नास्ते अभाव ले लेंगे कोई भी, जातिमान नास्ते अभाव तो मिलेगा नहीं, साध्य का अभाव नहीं मिल रहा है, इतना ही तो पर्याप्त है हमारे लिए। हम घटत्ववान नास्ते अभाव ले लेंगे, क्या अभाव ले लेंगे? घटत्ववान नास्ति अथवा रूपवान नास्ते अभाव ले लेंगे। रूपवान से हमने पट ले लिया और उसका अभाव घट में मिल जाएगा ठीक है, रूपवान नास्ते अभाव मिलेगा। अभावीय प्रतियोगिता रूपवत निष्ठा, प्रतियोगिता का अवच्छेद हो जाएगा रूप, तो प्रतियोगिता अवच्छेदकता रूपनिष्ठा, और प्रतियोगिता अवच्छेदकता का अवच्छेदक रूपत्व, तो रूपत्व अवच्छिन्न अवच्छेदकता है। साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक जो जातित्व और तदितर तत्व घटत्व पटत्व जो भी हो ये तो उभय धर्म से अनवच्छिन्न अवच्छेदकता हो जाएगी। यदि हम घटो नास्ते अभाव लेंगे, घटा अभावी है प्रतियोगिता अवच्छेदकता घटत निष्ठा, वो निर्वच्छिन्न है, वो किंचित धर्म से अवच्छिन्न नहीं है, तो साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक तो इधर उभय धर्म से भी अनवच्छिन्न हो जाएगी। कोई हमने उल्लेख किया घटत्वान नास्ति लेंगे तो अभावी प्रतियोगिता अवच्छेदकता का अवच्छेद घटतत्व हो जाएगा, तो उभय धर्म से अवच्छिन्न अवच्छेदकता नहीं होगी ठीक है।
तो आपने जो अभाव लिया है कि पट समवेत वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति, यह अभाव लक्षण अटक नहीं होगा, क्योंकि तारिश अभाव यह जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता है वो साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक जातित्व और तदितर पट समवेत वृत्तित्व वैशिष्ट ये धर्म से अवच्छिन्ना ही अवच्छेदकता हो रही। अन्य घटक पटादि अभाव लेंगे तो लक्षण घटक हो जाएगा, उसमें विशेषण भी घट जाएगा, तारिश अभाव ये प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व आदि होंगे, तदविन साध्यता अवच्छेदक जाति, ठीक है, तदवच्छि ने साध्य हो गया जातिमान, उसका सामान्य अधिकरण में चला जाएगा तो कोई दोष नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कहानी सुना रहा है पूर्व पक्षी कि देखो दो जगह पर दोष हो सकता है, वन्यमान अनुवाद में भी अव्याप्ति होगी, उसके लिए प्रतियोगिता आवश्यकता में निर्वचनों तक निवेश करना चाहिए, और जाति मतवान घटत्वाद में अव्याप्ति हुई, वो एक ही बात है, जाति मतवान घटत्वाद में अव्याप्ति होगी, उस अभ्याप्ति के वारण करने के लिए प्रतियोगिता अवच्छेदकता में साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक तदितर हो गए धर्म का निवेश करना चाहिए, समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग विचार कर सकते हैं कि वहाँ पर भी तो निर्वचन तो विशेषण देने से काम चल जाता है ना, विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थल में भी निर्वचन तो दे देते, तो निर्वचन तो विशेषण देंगे तो क्या होगा कि पट समवेत तत्व विशिष्ट जातिमान नास्ति अभाव जब लेंगे तारिश अभावी जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता है वो तो जातित्व अवच्छिन्न है, वैशिष्ट अवच्छिन्न है, निर्वच्छिन्न अवच्छेदकता तो अभाव लक्षण घटक घटो नास्ति पटो नास्ति अभाव ले लेंगे तो तारिश घटाभावी है प्रतियोगिता अवच्छेदकता निर्वचिन्न है, ये समझ में आया। तो ऐसा क्यों नहीं कहा जाए, हाँ व्यभिचारी स्थल बना देंगे है ना, जाति मतवान कोई ये तो बदल दो जिससे कि ये तो दुष्ट हो जाए, घटत्वाद करने पर तो सद हेतु है, घटत्व का अधिकरण जो घाट है वहाँ पर जाति मत है, ऐसा हेतु ले लो है ना, हेतु का अधिकरण ऐसा हो जहाँ पर साध्य न रहे, तो जाति मत कहाँ रहता है, जाति मत का अधिकरण कौन कौन हो सकता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव कौन कौन हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, गुण हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, गुण में कोई जाति मत नहीं रहता, जब भी हो सकता है, गुण में कोई जाति मत नहीं रह सकता, गुण में गुणत्व है, गुण में जाति तो है, जाति मत तो है ना, गुण आदि है वो तो कोई रहेगा नहीं, ठीक है, तो जाति मत का अधिकरण द्रव्य होता है, तो ऐसा हमने हेतु बना दिया जिसका अधिकरण द्रव्य गुण कर्म आदि हो वो तब असिध हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बनाएंगे हेतु, गुणत्वाद बना लो, ठीक है, जाति मतवान बोलो, विशिष्ट साध्यता स्थल बनाना है ना हम लोगों को, साध्य तो ही बदल कर रखना, जाति मतवान जातिमान गुणत्वाद कहोगे तो साध्य हो जाएगा, गुणत्व के अधिकरण में तो जाति रहती है ना, समझे, तो जाति मतवान गुणत्वात कर्मत्वात, ठीक है, सत्वात सत्ता को हेतु बनाएंगे वो तीन प्रमेयत्वाद बना तो कोई नहीं मिला, तो वो तो केवल आने हेतु बनाएंगे तो कोई भी साध्य भी केवल आने होगा तब साध्य होगा, नहीं तो असध्य होना है ना, समझे, तो कोई भी ऐसा हेतु बनाया जिससे कि हेतु व्यभिचारी हो जाए, व्यभिचारी होने का अर्थ क्या हुआ कि हेतु के अधिकरण में साध्याभाव लक्षण घटक होना चाहिए। अब हेतु हमने इसे गुणत्व बनाया, गुणत्व का अधिकरण जो गुण है उसमें जातिमान नास्ति अभाव तो मिलेगा है ना, जातिमान गुण में कोई रहता अभाव तो मिलेगा, किंतु तारिस अभाव या जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता है वो तो जातित्व अवच्छिन्न है, निर्वच्छिन्न नहीं है, तो निर्वच्छिन्न अवच्छेदकता को प्रतियोगिता का अभाव चाहिए, तो जातिमान नास्ति अभाव लक्षण घटक साध्याभाव लक्षण घटक नहीं होगा, तो वहाँ पर भी घटाभाव आदि लेना पड़ेगा, तो अब क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी, प्रतियोगिता का अनावच्छेदक साध्यता अवच्छेदक हो जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी, इसलिए विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थल में हम निर्वच्छिन्नत्व से काम नहीं चला सकते, इसलिए दो अलग अलग शुद्ध साध्यता अवच्छेदक स्थल में और देना चाहिए, समझ में आया, ठीक। इसमें और एक विचार कर सकते हैं कि हमने शुरू में प्रतियोगिता में साध्यता अवच्छेदक तहितरो व्यान अवच्छिन्नत्व विशेषण दिया है, दिया ना, पर वो तो उन्हें अनुमात में जब मानसीय वन्यभाव को लेकर के अव्याप्ति हुई तारिस अव्याप्ति का वारण करने के लिए तो मानसी वन्यभाव का वारण हमने पहले किया है, अब हम यहाँ पर भी तो उसी से वारण नहीं हो जाएगा, पर्वतो वन्यवान धुमात में जब हमने अभाव लिया मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति, तो तारिश अभावीय प्रतियोगिता में जब हमने पहले से साहित्य अवच्छेद इधर व्यान अवच्छिन्न निवेश किया है तो उसी से वारण हो जाएगा, अभाव लक्षण होगा नहीं,
नहीं किसी अवचिन्न में प्रतियोगिता किसी अवचिन्न में प्रतियोगिता मानसीय बंधन वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति अभाव लेंगे तार अभावीय प्रतियोगिता कहाँ है जातिमान निष्ठा प्रतियोगिता है प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन है मानसीय बंधन वृत्तित्व विशिष्ट जाति एक धर्म है कि दो धर्म है मानसीय बंधन वृत्तित्व विशिष्ट जाति जब कहोगे तो दो धर्म है अथवा एक धर्म है नीलो घटा जब कहेंगे तो एक धर्म है कि दो धर्म है नीला घटावत भूतलम जब कहेंगे नीला घटावत भूतलम कहेंगे तो भूतल में कौन रहता है तो दो धर्म रहा कि एक धर्म रहा भूतल में है ना नील और घट दो नहीं नील विशिष्ट घट और नील तो घट का धर्म है भूतल का धर्म तो भूतल में एक ही धर्म भाषित हो रहा है नील घट नीलत्व विशिष्ट घट ठीक है तो नीलत्व जो हो घट का विशेषण है वो भूतल का विशेषण नहीं तो जातिमान नास्ति हमने अभाव लिया है तो प्रतियोगी हो गया महानशीय बन्ने वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान प्रतियोगिता अवच्छेद कौन हुआ महानशीय बन्ने वृत्तित्व विशिष्ट जाति वो एक ही विशेषण है उसमें अवच्छेदक एक ही है कि दो है प्रतियोगिता के अवच्छेदक एक एक ही एक धर्म है कि दो धर्म है मानसीय बन्ने वृत्तित्व वैशिष्ट किसका विशेषण है जाति का विशेषण है कि जाति मत का विशेषण है जाति का विशेषण है मानसीय बन्ने वृत्तित्व वैशिष्ट वान जो जाति अतः जाति मत हमारा प्रतियोगी है ठीक है अतः मानसीय बन्ने वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति जब अभाव लेंगे अभाविय जो प्रतियोगिता है जातिमत निष्ठा प्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेदकता मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जाति निष्ठा तो प्रतियोगितावच्छेदक मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जाति एक ही धर्म है ठीक है तो वो प्रतियोगिता उभय धर्म से अवच्छिन्न साधितावच्छेदक तदितर उभय धर्म से अनवच्छिन्न ये प्रतियोगिता है अतः वो है ना प्रतियोगिता में साधितावच्छेदक तदितर उभय अनवच्छिन्न के निवेश करने से यह अभाव का इस अभाव का हम वारण नहीं कर सकते यह अभाव तथा भी लक्षण घटक ही है मानसीय बंधन नास्ते अभाव नहीं ले सकते क्योंकि मानसीय बन्नी प्रतियोगी है प्रतियोगी मानसीय बन्नी है वहाँ पर है ना तो मानसीय बन्नी जब प्रतियोगी होगा तो उसमें दो धर्म भाषित होंगे मानसीयत्व और बन्नित्व तो प्रतियोगिता के अवच्छेदक दो धर्म है ठीक तो प्रतियोगिता बन्नित्व अवच्छिन्ना भी है मानसीयत्व अवच्छिन्ना भी है तो साध्यता अवच्छेदक तदितर उभय धर्म से अवच्छिन्ना हो रही है किंतु यहाँ पर मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ते जब हम बोल रहे हैं तो प्रतियोगिता केवल मानसीय वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जाति रूप धर्म से अवच्छिन्न है तो साध्यता अवच्छेदक तो इधर उभय धर्म से अवच्छिन्न नहीं है इसलिए यह पुनः लक्षण घटक है इसलिए उसकी चर्चा नहीं करनी है मतलब ग्रंथकार ने किया नहीं फिर भी दोष दिया ना क्योंकि ग्रंथकार पहले ही तो प्रतियोगिता में साध्यता अवच्छेदक इधर उभय अनुवचन निवेश कर चुके हैं तो पुनः यहाँ आकर के दोष दिया है समझ में आया इसलिए हम लोग प्रतियोगिता अवच्छेदकता तक चले जाते हैं। अब देखो तो बात क्या हुई कि भूमिका से शुरू करते हैं ना कि धन्यमान धन्य संयोगाद में दोष का उपस्थापन किया पहले के धन्यमान धन्य संयोगाद यहाँ पर अव्याप्ति है क्योंकि धन्य संयोगादिगण जो मठ है उसमें चालनीय न्याय से तत्त दंड नास्ती अभाव मिल जाएगा तत्त दंडवान नास्ती अभाव यहाँ पर ध्यान देना है तत्त दंडवान नास्ती जब हम बोल रहे हैं तो प्रतियोगी कौन है तत्तदंडवान ठीक है प्रतियोगिता अवच्छेद कौन है तत्तदंड अथवा दंड तत्व और दंड है ना तत्व और दंड ऐसा क्योंकि तत्व जो है वो दंड का विशेषण है दंडवान का विशेषण है ना तत्तदंडवान नास्ति जब हम बोल रहे हैं इसलिए तत्तदंडी नास्ति नहीं बोलना है तत्तदंडी नास्ति बोलने पर तत्व का दंडी में तत्व विशेषण ऐसा समझ में आता है तो तत्त दंडी नास्ति शब्द तो बोल सकते हैं लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि तत्व विशिष्ट दंड विशिष्ट नास्ति तत्व दंडी का विशेषण नहीं वो भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है दोष देने वाला उसको भी लेकर के दोष दे सकता है लेकिन यहाँ पर ऐसी विवक्षा तत्त दंडवान नास्ति तत्व विशिष्ट दंडवान नास्ति इसलिए प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन है तत्त दंड नहीं तो वहाँ पर भी हम लोग यही कह सकते हैं कि पहले वो प्रतियोगिता में अनुसाहिता अवच्छेद तो इधर व्यान अवच्छेद तो निवेश किया उसी से वारण हो जाएगा
क्योंकि तत्व को भी हम प्रतियोगिता अवच्छेदक बनाएंगे, तो साध्यता अवच्छेदक दंड तो इधर तत्व है, उभय धर्म से अवच्छेद नहीं प्रतियोगिता हो रही है ना, प्रतियोगिता में जो विशेषण हमने दिया है उसी से वारण हो जाएगा, इसलिए दोष देने वाला भी उसको पता है कि वो विशेषण दिया है, इसलिए प्रतियोगिता में कुछ असर न पड़े, लक्षण घटक हो इस प्रकार का हमको अभाव लेना है। तो ये तो हो गया दंड संयोग, उसका जो अधिकरण है मठ, उसमें चालने न्यास तत्त्व दंड न्यास से अभाव लिया, अभाव ये प्रतियोगिता के अवच्छेदक तत्त्व दंड हो गए, उससे भिन्न साध्यता अवच्छेदक नहीं है, तो अव्याप्ति हुई, ये तो अव्याप्ति हमारी बनी हुई है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखो वो अव्याप्ति के बाद में हम समाधान करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे कि दो प्रकार के स्थल होते हैं, विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थल, शुद्ध साध्यता अवच्छेदक स्थल। शुद्ध साध्यता अवच्छेदक स्थल में पर्वतो उन्या धुमाद इत्यादि में महानशी वन्य वृत्तित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति, इस अभाव को लेकर के अव्याप्ति होगी, तार से अव्याप्ति को वारण करने के लिए प्रतियोगिता अवच्छेदकता में निर्वचनत्व का निवेश करना चाहिए, जे से इसको भी उन्होंने उदाहरण बनाया। उसी प्रकार क्योंकि बात करनी है हमको विशिष्ट साध्यता अवच्छेद स्थल की, इसलिए शुद्ध साध्यता अवच्छेद स्थल को उन्होंने दृष्टांत बनाया। उसी प्रकार विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थल में जातिमत्वान घटत्वात्, यहाँ पर घटत्वाधिकरण जो घटे वहाँ पर पट समवेत तत्व विशिष्ट जातिमान नास्ति, इत्याकारक अभाव को लेकर के अव्याप्ति होगी, तार से अव्याप्ति वारण करने के लिए हमको प्रतियोगिता अवच्छेदकता में साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक तैत्रो या नवचिन्हत्व का निवेश करना चाहिए, तो हम पर अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। अब लेकिन हम प्रश्न करेंगे तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम तो चर्चा किसकी कर रहे थे, दोष कहाँ दे रहे थे, दंड संयोगात में दोष दे रहे थे, धन्यवाद दंड संयोगात में, आप अन्यवान धुमाद में दोष दे करके वारण कर रहे हैं, है ना, जाति मधवान घटत्वाद में दोष दे करके वारण कर रहे हो, उसे हमारा यहाँ क्या संबंध है। तो कहेगा कि देखो धन्यवान दंड संयोगात स्थल है, ये शुद्ध साध्यता अवच्छेदक स्थल है कि विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थल है, यहाँ पर जो साध्यता अवच्छेदकता है वो दंडत्वावच्छिन्न है, सावच्छिन्न है, किंचित धर्मावच्छिन्न है, इसलिए हो गया विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थल। इसलिए हमने पहले ही विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थल में प्रतियोगिता अवच्छेदकता में साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक तैत्रो व्यान अवच्छिन्न विशेषण दिया है, उसी से दंडिमान दंड संयोगाद यहाँ पर अव्याप्ति का वारण हो जाएगा, अर्थात तत्त दंड नास्ति अभाव लक्षण होगा ही नहीं। तो आप जो दोष दे रहे हो वो दोष असांदर्भिक है, एक दिखाना हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम इतनी भूमिका बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो घटा करके तो हमने अभाव क्या लिया है, तत्त दंडवान नास्ति अभाव लिया, उस अभाव का प्रतियोगी कौन हो गया, तत्त दंडवान, प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन हुआ, तत्त दंड, तो प्रतियोगिता अवच्छेदकता तत्त दंड निष्ठा, प्रतियोगिता अवच्छेदकता का अवच्छेदक कौन हुआ, तत्व और दंडत्व, तत्व और दंडत्व, अर्थात वो जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता है वो तत्वावच्छिन्न है, दंडत्वावच्छिन्न है, हमारा साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक कौन है, साध्य क्या है तुम्हारा, दंडी है ना, दंडवान, साध्यता अवच्छेदक कौन है, और साध्यता अवच्छेदकता का अवच्छेदक कौन है, हाँ साध्यता अवच्छेदकता का अवच्छेदक दंडत्व, तद इतर कौन हुआ, तत्व, एतद उभय धर्म से अवच्छिन्न ही अवच्छेदकता है, एतद उभय धर्म अवच्छिन्न अवच्छेदकता का प्रतियोगिता का अभाव है, हमको तो उभय धर्म नवच्छिन्न अवच्छेदकता का प्रतियोगिता का अभाव चाहिए, अतः तत्त दंड नास्ति अभाव लक्षण घटक होगा ही नहीं। तो लक्षण घटक जो भी अभाव होगा घटाभाव आदि, ठीक है, दिस अभाव की प्रतियोगिता अवच्छेदकता, साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक दंडत्व, तदितर तत्व, है ना, तत्व आदि जो भी धर्म लेंगे, यदि उभय धर्म से अनवच्छिन्न अवच्छेदकता हो, तार से अवच्छेदकता का प्रतियोगिता का जो अभाव होगा वो घटाभाव आदि होंगे, तार से अभाव ये प्रतियोगिता अवच्छेदकता कहाँ रहेगी, घटत्व में रहेगी, तद अभाव व साध्यता अवच्छेदक कौन हो जाएगा, दंड हो जाएगा, तद अवच्छिन्न साध्य हो जाएगा दंडी, उसका सामान्य अधिकरण चला जाएगा दंड से युग में, तो कोई अव्याप्ति नहीं होगी, ठीक, ये इसका कथन है। अब यहाँ पंक्ति को ठीक से बैठाना है, ठीक, बात समझ में आ गई, हाँ, न च प्रतियोगिता नवच्छेदकम इत्यत्र अवच्छेदकत्वं शुद्ध साध्यता अवच्छेदक स्थले निदवच्छिन्नम इव विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक स्थले साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक तत्त्वभयानवच्छिन्नम ग्राह्यम्, ठीक है, दोनों विशेषण देना चाहिए, उन्होंने पहले कहा गया, अब बाद में प्रश्न आया क्यों, तो दोनों जगह पर दोष देंगे, अन्यथा पदवते महानसीय वह्निवदितित्व विशिष्ट जातिमान नास्ति
इत्यादि प्रतीत्या विशिष्ट वर्णित्वस्य तादृशा भाव प्रतियोगिता वच्छेदकतया वर्णिमान दोमात इत्यादो इव यहाँ जो अच्छा व्याप्ति होगी है ना। अब यहाँ के लिए हमने निर्वचन तो दिया वारण करने के लिए उसी प्रकार जातिमत्वान घटत्वाद इत्यादो अव्याप्ति प्रसंगात यहाँ व्याप्ति होगी। घटे पट समवेतत्व विशिष्ट जातिमान नास्ति इति प्रतीत्या विशिष्ट जातेः ठीक है। जो साध्यता अवच्छेद की जाति और प्रतियोगिता अवच्छेद की विशिष्ट जाति है तो प्रतियोगिता अवच्छेद की साध्यता अवच्छेद हो जाएगा, अव्याप्ति होगी। इसलिए वो जो समाधान हमने किया उसको आपको भी उसका उसको स्वीकार करना चाहिए। तो क्या होगा फिर? तथा च तद दंडवान नास्ति इत्यादि प्रतीत्या तत्ता विशिष्ट दंड व्यक्तेः एव अवच्छेदकत्वावगा। देखो तो जब तत्त्व दंड नाश आप कहेंगे तो प्रतियोगिता अवच्छेद कौन है? तत्ता विशिष्ट दंड, तद्दंड मतलब तत्ता विशिष्ट दंड, ठीक है। और इसका अर्थ हुआ प्रतियोगिता अवच्छेदकता अवच्छेदक जो होगा वो तत्त्व भी होगा और दंडत्व भी होगा। तो तत्ता विशिष्ट दंड व्यक्ति अवच्छेदकत्व अवगाहनात् शुद्ध दंड व्यक्ति ना मतलब जो साध्यता अवच्छेद वो लक्षण घटाने जा रहे हैं। जो साध्यता अवच्छेदक ये कौन? दंड, शुद्ध दंड व्यक्ति। उसको कैसा होना चाहिए? कि एतद उभय धर्म अनवच्छिन्ना जो आवश्यकता तथा भाववत होना चाहिए। एतद उभय धर्म अनवच्छिन्ना जो आवश्यकता तथा भाववत होना चाहिए, इतने है ना। हाँ, शुद्ध दंड व्यक्ति दंडत्व तदितर उभयानवच्छिन्नम यद हेतु समानाधिकरणाभाव प्रतियोगिता। हाँ, हेतु समानाधिकरणाभाव जो प्रतियोगिता आवश्यकता कैसी? दंडत्व तदितर उभय धर्म से अनवच्छिन्न जो आवश्यकता। ऐसी आवश्यकता कौन सी होगी? घटत्वादि निष्ठा आवश्यकता होगी, ठीक। हाँ, दंडत्व तदुभय अनवच्छिन्न यद हेतु समानाधिकरणाभाव प्रतियोगिता आवश्यकत्वम् तदभाव तदभाव सत्ता कुत्र? शुद्ध दंड व्यक्ति। हाँ, वहाँ नगर शुद्ध दंड व्यक्ति जो साध्यता आवश्यकता की उसमें तदभाव रह गया है ना। उभय धर्मानवच्छिन्ना प्रतियोगिता अवच्छेदकता घटत्व दंड घटत्वादिष्ठा अवच्छेदकता तदभाव रह गया, इसलिए अव्याप्ति है ही नहीं, ठीक। तदभाव सत्वात् नाव्याप्तिरिति वाच्यम्। हाँ, ये सब पूर्व पक्ष है इति वाच्यम्। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दंडिमान दंड संयोगात्म दोष का उपस्थापन किया गया तत्व दंड नास्ति अभाव को लेकर के वो अभाव लक्षण घटक ही नहीं है, तो जो आप अव्याप्ति का प्रदर्शन कर रहे हो ये अव्याप्ति तो है ही नहीं। किंतु अब ग्रंथकार को यहाँ पर अव्याप्ति देना है, स्थापित करना है, तभी जाकर वो ग्रंथ का अवतरण होगा विदित ग्रंथ का। इसलिए वो कुछ भूमिका और बताएंगे जिसकी चर्चा हम करेंगे कल, ठीक। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।